Hi everyone, this is Bhartavi Prakash. Welcome back to our channel Mind Your Science. हम साथ में पढ़ रहे थे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. उसमें हमने पढ़ी थी गॉस थ्योरम और हमने इससे पिछले लेक्चर में किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का पहला केस. उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक इनफिनिटली लॉन्ग वायर थी तो उस पर चार्ज क्या था, बाहर पड़ा हुआ था. तो चार्ज बाहर पड़े होने के कारण हमें क्या करना पड़ा था, गॉसियन सरफेस को क्रिएट करना पड़ा था. उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था किसका, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. और मैंने आपसे कहा था अगर आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है तो एक बार पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि आज भी हमारा वही कंसेप्ट काम में आएगा. हमने उसमें क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और हमने निकाली थी लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्या आई थी हमारे पास, लैम्डा से डिनोट करते थे, क्यू पॉइंट में एल आई थी. और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें क्या काम में आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने क्या बताई थी, अगर आपके पास कोई सरफेस है जिसमें चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऐसे इस तरह से हमने क्या किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था. और फिर हमने क्या निकाली थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली थी, सिग्मा से डिनोट करते थे जिसे. इसका फॉर्मूला क्या था, क्यू डिवाइडेड बाय ए. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी है, लेकिन एक स्फेरिकल शेल के केस में. तो चलिए शुरू करते हैं. फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल को आप फिर से अपनी बॉल की तरह कंसिडर करते हो, कोई भी बॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, बैट बॉल. तो बॉल कैसी होती है, ऐसी गोल होती है. तो ये है हमारा स्फेरिकल शेल. क्या बना दिया ये मैंने, हमारा स्फेरिकल शेल बना दिया. अब हम लोग क्या कर लेंगे, फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. लेकिन स्फेरिकल शेल तो दिया है, साथ में क्या दिया हुआ है, ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है. अभी मैंने बताया ये शुरू कराने से पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, वो किसके केस में होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. और उसमें चार्ज ऐसे पड़ा होता है, अभी अभी बनाया मैंने जस्ट, इसलिए पहले ही सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए ताकि ये पढ़ते हुए हमें दिक्कत ना आए. तो क्या हुआ है, हमने स्फेरिकल शेल बना दिया जिसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन किसकी है, ये गॉस थ्योरम की है. गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए. लेकिन इसमें चार्ज कहाँ पड़ा है, बाहर पड़ा है. तो क्या करते हैं हम लोग, बाहर एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं. तो आइए बना लेते हैं, ऐसे करके कुछ सरफेस बना सकते हैं. ये क्या है, हमारी गॉसियन सरफेस है. अब रेडियस दे देते हैं, मान लो स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो आर है. आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल है. अब हमें क्या करना है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालते हैं, किसी पॉइंट पे निकालते हैं. तो मान लो ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, ये मेरा पॉइंट पी है. क्या है, पी पॉइंट, जहां पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. पॉइंट एट विच फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड. क्या ले लिया, आपके रेडियस ले लिया और पॉइंट पी ले लिया. और पॉइंट पी का कुछ डिस्टेंस होगा, वो हम मान लेते हैं कितना, छोटा आर. छोटा आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पॉइंट पी. क्या क्या स्पेसिफाई किया है हमने, पहले तो क्या किया, चार्ज कहाँ था, बाहर था. तो क्या करना पड़ा, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ी. क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेसेस के लिए. तो हमने क्या कर दिया, चार्ज को क्लोज कर दिया. उसके बाद हमने इसका रेडियस मान लिया आर. फिर हमने पॉइंट पी लिया जहाँ पे हमें क्या करना है, फील्ड इंटेंसिटी का
कैलकुलेट करनी है। फिर हमने इसका डिस्टेंस कितना मान लिया, पॉइंट बी से आर मान लिया, ये है मेरा सेंटर ओ। अब हम क्या करते थे, स्मॉल एरिया कंसिडर करते थे। यहाँ पे मान लो मैंने स्मॉल एरिया ds क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। फिर क्या करते थे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहाँ होगी, अवे होगी, यानी कि इससे दूर होगी। इसके बाद क्या करते थे, एरिया वेक्टर स्पेसिफाई करते थे n कैप से, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसी होगी। मान लो ये है मेरी वो गोल सरफेस, तो रेडियली आउटवर्ड होती है, किसकी डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है, n कैप बताता है। तो ये था मेरा e और ये था मेरा n कैप। अब हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। थीटा कौन सा एंगल था, e वेक्टर और n कैप के बीच का एंगल। ये है मेरी e, ये है मेरा n। वापस से बता रही हूँ, ये e है, ये n है, एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ये सब हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम वी हैव, क्या कहती है गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल किसका, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1.0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ये क्या है, गॉस थ्योरम से जो हमें फॉर्मूला मिला था वो लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, किसकी, इसकी, यानी कि गॉस थ्योरम की। क्या कहते हैं फिर, इसे खोल देंगे, ETS cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, 0 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, q upon epsilon naught as it is। फिर क्या हो जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ETS इज इक्वल टू q upon epsilon naught। e को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, e बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ES इज इक्वल टू q upon epsilon naught। सरफेस इंटीग्रल किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, किसका स्मॉल पार्ट कंसिडर किया है हमने, स्फीयर का। तो क्या करेंगे, छोटे एरिया से बड़ा एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, टोटल एरिया निकालेंगे, किसका, स्फीयर का। स्फीयर का टोटल एरिया कितना आता है, 4πr² काफी बार कर चुके हैं। तो e as it is into में 4πr² is equal to q upon epsilon naught। क्या कर दिया हमने, e को बाहर निकाला, ds का सरफेस इंटीग्रल मतलब टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया स्फीयर का कितना आएगा, 4πr² वैल्यू पुट किया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे कर रही हूँ, e कितना आ जाएगा, q upon 4πr² into में epsilon naught। अब ये 4πr² क्या है, एरिया हमारा कितना था, 4πr², इसको मैं a लिख सकती हूँ, q upon a into में 1 upon epsilon naught। क्या किया मैंने, ये जो 4πr² था इसे a के इक्वल रख दिया, a क्या है मेरा, एरिया है, ठीक है। तो ये q upon a क्या था, अभी बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और फिर इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, सिग्मा क्या है, q upon a है, तो e क्या बन जाएगी हमारी, सिग्मा upon में epsilon naught। नीचे कर देती हूँ एक बार, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो। क्या बताया मैंने, क्या किया हमने, हमें पता था कि सिग्मा की वैल्यू कितनी है, q upon epsilon naught है। यहाँ से हमारे पास e कितना आ रहा है, q upon 4πr² into 1 upon epsilon naught, ये इधर चला गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब 4πr² है क्या, एरिया तो है, तो ये q upon a into 1 upon epsilon naught बन गया। और q upon a क्या है मेरा, सिग्मा, ये तो है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बता दी, अगर ये अभी भी क्लियर नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो देख लेना। सिग्मा upon epsilon naught, ये आ गया हमारा आंसर। यही हमें निकालनी थी, क्या निकालनी थी, फील्ड निकालनी थी, किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए। ये तो हमने कहां पे निकाली है, एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब अगर मैं बोलूं कि यार मुझे तो बाहर नहीं निकालनी, मुझे तो इसी पे निकाल के दे दो, क्या बोला मैंने, कि मुझे तो इस पॉइंट पी पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा पॉइंट पी यहाँ कहीं पड़ा हो, तो बताओ मुझे यहाँ पर
फेल कितनी आएगी वो कैसे कर लेते हैं। गिर अप कर रही हूं मैं, ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ये वाला मान लिया मैंने, ठीक है। ये वाला केस हो गया था। अब अगर मैं दूसरा केस मानूं, पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, कहां लाई कर रहे हैं पॉइंट बी, इसकी सरफेस पे, यही था हमारा मेन स्फीयर था ये, ठीक है। और ये जो बाहर ब्लू से बनाया हुआ, ये तो हमारी क्या थी, गॉसियन सरफेस थी। और गॉसियन सरफेस के केस में हमारे पास ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। अब अगर मुझे पॉइंट पी पे निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस देंगे। अभी से मान लो हमारा क्या छोटे वाला आर, अगर उस डायग्राम में कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ बना लेते हैं, यही था मेरा ऐसा कुछ बना हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे तो यहीं पे निकाल लिया यार, किसी पॉइंट पी पे। अब ये तो मेरा क्या था, रेडियस बड़े वाला आर था, और ये मेरा क्या था, छोटे वाला आर हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमने ये जो डिराइव किया था ये वाला फॉर्मूला, इस केस में क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू में Q अपॉन ε0, यही हमने डिराइव किया अभी अभी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पॉइंट P पे चाहिए, तो इस केस में मेरा R किसके इक्वल है, R के इक्वल है, कौन सा R, ये R कौन सा है जो मैंने यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में नोट्स में, अगर नोट्स में आया तो लिखा होगा, ये वाला R कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम टू पॉइंट P, कौन सा डिस्टेंस है, पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक का। अब मैंने इस पॉइंट P को उठा के पीछे ले आई और इसी की सरफेस पे रख दिया, तो R किसके इक्वल हो गया, इसके रेडियस के इक्वल हो गया, यानी कि R क्या हो गया, R के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, R की जगह बड़ा आर प्लेस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। क्या निकाल लिया हमने, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि इसकी जो सरफेस है उसी पॉइंट पर क्या आती है। और जो हमने ये निकाला है छोटे आर वाला, ये कौन सा केस है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, क्लियर है बात, ये कौन सा केस है, स्फीयर के बाहर का, और ये कौन सा स्फीयर केस है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर का, यानी कि जब आर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल है। अब लास्ट केस करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, जो हमारा पॉइंट पी है अगर वो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा हो तो क्या है, क्या बोल रही हूँ मैं, ये मेरा स्फीयर था, ये क्या है, चार्ज है, इसका ये रेडियस क्या था, आर था। अब मैंने क्या बोला, मुझे कहाँ निकालनी फील्ड इंटेंसिटी, थर्ड केस हो गया ये मेरा, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, कहाँ निकालनी है, स्फेरिकल शेल के अंदर निकालनी है। तो हम यहाँ मान लेंगे अपना पॉइंट पी और यहाँ क्या कर देंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, ये क्या है मेरी गॉसियन सरफेस है, कौन सा वाली जो मैंने पॉइंट पी के लिए बनाई है। अब फिर से पॉइंट पी का डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया, इस केस में क्या है, आर क्या है, छोटा है आर से, ये वाला आर कौन सा है, जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम सेंटर ओ, और ये आर क्या है मेरा, रेडियस है किसका, स्फीयर का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या है, 1/4πr² इनटू में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, जब मैंने आपको क्या कराया था, वेरिफिकेशन कराई थी गॉस थ्योरम की, तो उसमें क्या था, चार्ज होना कंपलसरी था, क्यों था, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी या फिर जो हमारी फ्लक्स थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, चार्ज पे डिपेंड कर रही थी।
सरफेस है, अगर मैं इसे उठा के यहाँ बना लूं, ये था मेरा पॉइंट O और ये पॉइंट P है, जहाँ पे मुझे क्या करना है, फील्ड निकालनी है, और ये मेरा पॉइंट R पर है, कहीं पे चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर आपको कहीं पे भी कहीं चार्ज दिखाई दे रहा है इस सरफेस के ऊपर? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज कितना है? जीरो है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो यार कि बाहर चार्ज पड़ा है, बाहर तो पड़ा है, बट हमने क्या किया, हमने तो एक और सरफेस क्रिएट कर दी ना यहाँ पर, तो इस सरफेस पे तो चार्ज नहीं है ना, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो तो हमने इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए लिया है, और इस पर्टिकुलर सरफेस के केस में क्या है, चार्ज हमारा जीरो है। तो यहाँ अगर आप जीरो पुट करो, यानी कि 0.4πε0r2, तो हमारी जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी कि जो फील्ड है इनसाइड द स्फेरिकल शेल वो कितनी होती है, जीरो होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखना, सिंपल सी बात है यार। अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, मैंने क्या बोल रहा हूँ, उसके बाहर पड़ा है ना चार्ज, बट मैंने तो क्या कर दिया, इसके अंदर एक और सरफेस क्रिएट कर दी, ये वाली। अगर मैं इसे बाहर निकाल लाऊं, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए मैंने इसे फिर से ड्रॉ करके आपको क्लियर कर दिया कि इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के ऊपर क्या है, चार्ज जीरो है। तो ये कर लिया हमने तीन केसेस। पहला क्या था, पॉइंट पी कहाँ था, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ये मेरा स्फेरिकल शेल है, और ये पॉइंट पी कहाँ है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, उस केस में हमारे पास ये आ गया। ये कौन सा केस है, ये पहला केस है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट पी को इसी के ऊपर कंसिडर कर लिया, कहाँ पे, उसकी सरफेस के ऊपर कंसिडर कर लिया, यानी कि इस पॉइंट पे। तो क्या हुआ था, जो पॉइंट आर का डिस्टेंस था, छोटे वाला आर, वो किसके इक्वल हो गया, बड़े वाले आर के इक्वल। बड़ा वाला आर क्या है हमारा, रेडियस है किसका, स्फीयर का। तो हमने क्या कर दिया, आर इज इक्वल टू आर कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया था, हमने ऐसे करके बड़ा आर लिख दिया। तो ये केस आ गया था हमारा ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल। उसके बाद हमने क्या किया, इनसाइड द स्फेरिकल शेल किया, इसमें हमने क्या किया, पॉइंट पी यहाँ पे कंसिडर किया, पॉइंट पी बनाया है तो गॉसियन सरफेस भी जरूर बनेगी। गॉसियन सरफेस बनाई, इसको अगर हम अलग निकाल के देखें, तो इसमें क्या है, चार्ज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और जहाँ चार्ज ही नहीं है वहां ना ही फ्लक्स हो गया और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अगर आपके पास किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, तो उस केस में इनसाइड द स्फेरिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप बिना देखे बिना सोचे जीरो पे टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के केस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। सेकेंड एप्लीकेशन हमने आज की है, क्या की है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।